नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। जी हां, जहां एक ओर कोरोना के कहर से निपटने के लिए शासन व प्रशासन के लोग अपने स्तर पर रात दिन लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के समाज सेवा में तत्पर रहने वाले एनजीओ के सदस्य कविता पाठ के माध्यम से कोरोना वायरस के बचाव के तरीके बता रहे हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। हम रुके नहीं हैं, सिर्फ आज घर पर हम वक्त कल भी घर पर बिता रहे थे। बेरोजगार हो जाएंगे, जानते थे कि आएगी आफत, एक दिन सबको बता रहे थे। वैसे तो सोशल थे कभी हम, डिस्टेंस बना ली है, थोड़े से थे खुद लापरवाह, अब आदत काफ़ी सुधार ली है। धोते हैं हाथ हर घंटे, लेकिन भूल जाते हैं कि अभी तो नहाने की बारी है। हम शिक्षित हैं, ना जाने क्यों हमारी सोच बदल जाती है। हो तुम खाते पनीर, क्या अति घास चढ़ने जाती है? वो छीके तो है कोरोना, और खुद खांसे तो, अरे ये तो जरा सी खांसी है। बंद पड़ा है इंडिया, हम मंत्री जी को मान गए। बुरे हो सकते थे परिणाम, हम वक्त रहते पहचान गए। सबक है लिया इटली से, हम कोरोना को जान गए। कुछ तो खामोखा डरे हुए हैं, अफवाहों के मरे हुए हैं, उनसे कह दो डरने की कोई बात नहीं। तुम घर में बैठो और कर दे ये बीमार तुमको, इतनी इस वायरस की औकात नहीं। सुने हैं बाजार, अब वो रौनक दिखती नहीं, इस लाइलाज बीमारी की दवा दिखती नहीं। हम ये कैसे भूल गए, ये चाइना की चीज है तो ज़्यादा दिन दिखती नहीं। कल तो विनती करते से छुट्टी थी, आज नहीं है पैसा जता रहे हो तुम। आज रुके हो घर पे छुट्टी पर, सिर्फ खुद को ही बचा रहे हो तुम। यकीन मानो नए भारत का इतिहास रच रहे हो। घूमते फिरते हो बाजारों में, देखने बाजार की रौनक ही करी थी। कितने भी आए हो रिश्तेदार घर पर, दरवाजे तुम मत खोलो, सैनिटाइजर जरूरी नहीं, हाथ तुम साबुन से धो। समझ लो बिग बॉस के घर में चल रहा है टास्क कोई, मत करना गुरु कभी यह सोच कर, मुझे क्या होगा, मेरे पास तो मास्क है। जो है प्रभावित कोरोना से, उनका इलाज जारी है। अकेले नहीं हैं हम, साथ में दुनिया सारी है। हम लड़े हैं बेईमान गोरों से, अब कोरोना की बारी है। ये वक्त खाली मिला है, फिर से वक्त कभी ना पाओगे। आज रह लो थोड़ा तुम घरों में, आज रह लो थोड़ा तुम घरों में, जरूरी काम नहीं इतना, कल पैसा खूब कमाओगे। जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे।